सब्सक्राइब कीजिए मेरे हिंदी टेक्निकल हब को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मेरा जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो बीएमसी के ऊपर है, बीएमसी प्रोग्रामिंग के ऊपर। बीएमसी प्रोग्रामिंग, ठीक है दोस्तों। बीएमसी प्रोग्रामिंग में जो भाई बीएमसी सीख रहे हैं, बीएमसी चला रहे हैं या ऑपरेटर है बीएमसी के, उनके लिए बीएमसी का प्रोग्राम है आज का, और बहुत अच्छा वीडियो है। अपने दोस्तों को भी शेयर करें दोस्तों। आज मेरा जो टॉपिक है वो है G83। G83 में दोस्तों पेग ड्रिलिंग साइकिल होती है, पेग ड्रिलिंग साइकिल फालुक के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, G83 पेग ड्रिलिंग साइकिल। और इसमें दो चीज लगती है, G99 और G98। इन दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो पूरा देखें। कई भाइयों ने कमेंट्स भी किया है कि G83 और G99, G98 के बारे में बताइए, तो मैं वही चीज बता रहा हूं आपको, कैसे बढ़ाते हैं G83 साइकिल और क्या क्या कोड डलेंगे, वो सारी चीज बता रहा हूं मैं आपको। एक स्केच बना के दिखा रहा हूं। एक मेरे पास प्लेट है, ये प्लेट का सेंटर में ये आ गया। मेरे को यहां पे चार होल निकालने हैं दोस्तों, चार होल। आपके पास कितने ही होल हो सकते हो, और ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो भी होल है आप उसके होल के कोऑर्डिनेट निकाल के ड्रिलिंग कर सकते हो। तो मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, चार होल है, डायमीटर डाया 12 के, फोर होल्स, ठीक है, डाया के फोर होल्स है। एस ऑन ड्राइंग, जैसे कि ड्राइंग में दिखाया गया है, चार होल है। चार होलों का मैं इसका कोऑर्डिनेट दिखाते तो आपको, ये कोऑर्डिनेट यहां से 50 एमएम ये है, सेंटर लाइन पे दोनों 50 एमएम पाएंगे, और यहां से ये 40 एमएम है, चार होल है। अब ये अपन को एक्स वाई तो दिख रहा है, ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है एक्स और वाई का, एक्स जीरो वाई जीरो, लेकिन जेड कितना जाएगा वो पता नहीं है। तो यहां पे मैं सेक्शन व्यू काट देता हूं, यहां से दिखा देता हूं, सेक्शन ए और ए डैश, ठीक है, ए और ए डैश सेक्शन काट के मेरे जो यहां पे व्यू आएगा वो इस तरह से आ जाएगा। ये दो होल दिखेंगे यहां पे आर पार, ये मेरी मोटाई प्लेट की 30 एमएम है, 30, ठीक है। तो यहां सेक्शन व्यू में ये एचिंग लाइन आ जाएंगी, एचिंग लाइन आ गई। ये तो ये 12 एमएम के चार होल है, 12 थ्रू है, तो ये थ्रू दिखाया गया है, थ्रू, ठीक है। चार होल मेरे पास है, चार होल मैं कर रहा हूं, 12 एमएम के चार होल है। ड्राइंग के अनुसार यहां से एक्स 50 और यहां से एक्स वाई 40, यहां से एक्स 50, ये भी 50 है, इस तरह से। तो यहां पे सेक्शन व्यू मैंने दिखाया है, सेक्शन ए ए डैश, ठीक है। तो ए और ए डैश में सेक्शन में आपको डेप्थ दिखाई दे रही है और इसके डायमीटर दिखाई दे रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट भी आ जाएंगे इसके, और डेप्थ भी आ जाएंगे, एक्स वाई जेड तीनों के कोऑर्डिनेट आपको दिख जाएंगे। अब मैं इसके चारों के कोऑर्डिनेट लिख लेता हूं एक बार। डेप्थ मेरी 30 एमएम रहेगी, तो यहां कोऑर्डिनेट लिख देता हूं, ये मैं मिटा रहा हूं, आप मिटा के बाद मैं आपको इसके कोऑर्डिनेट लिख देता हूं, नंबरिंग कर देता हूं इसका, 1 2 3 4, ठीक है। तो पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका x 50, y -40,
दूसरे का H50, Y40, तीसरे का X-50, Y40 और चौथे का X-50, Y-40। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट आप सभी को पता होगा, नहीं है तो आप देख सकते हैं कि ये जीरो है तो ऊपर की वैल्यू वाई में प्लस आएगी, वाई में नीचे आएगी, और यहां से एक्स प्लस आएगा, यहां से एक्स माइनस आएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद मैं साइकिल बढ़ाता हूँ इसकी G83 में। तो दोस्तों दो प्रकार से बढ़ाऊंगा मैं आपको, G98 और G83, सॉरी G98 और G99। तो ये आपकी जो तो फॉर्मेट आता है साइकिल का, G98, G83, Z-37 थिकनेस है, 32 mm ले लेता हूं इसको, R3 और F200। ठीक है, अब जब मैं G98 डाल रहा हूं तो जो रेफरेंस पॉइंट मैंने जेड का लिया रखा है कैसे ले रहा है वो भी बता देता हूं आपको, इसको नोट कर लेना आप। ओ नंबर डाल लूंगा, ओ 2500, जी जीरो सॉरी टी नंबर डाल लेता हूँ, T1, M6, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, ड्रिल डाया 12। ठीक है, फिर G0, G90, G54 में मेरा वर्क ऑफसेट है, G43 और जेड यहां डाल लेता हूं 100, एस 1200, M3 और H1, ये आप एक लाइन में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कहीं भी, H1। फिर इसके बाद पहली पोजीशन X50, Y-40, पहला हॉल की पोजीशन डाल दो आप। उसके बाद जेड में 80 ले लेता हूं, फिर G98, G83, Z-32, R3, F200। ठीक है, उसके बाद में X50, दूसरा कोऑर्डिनेट X50, Y40, फिर तीसरा कोऑर्डिनेट X-50, Y40 और X-50, Y-40। ठीक है, फिर G0, G80, Z200। तो इस तरह से ये प्रोग्राम बन जाता है। अब G98 और G99 का क्या फंक्शन है उसके बारे में आप विस्तार से समझ लो। G98 करता है कि जो भी ड्रिल होने के बाद, ये मैंने आपको सेक्शन व्यू बताया था, ये सेक्शन व्यू, यहां पे दो होल है, ये दो होल है, G98 से क्या होगा, दूसरे को पहले पर ड्रिल चल जाएगा पहले होल पे, और जैसे ही टूल ऊपर उठेगा, टूल कितना ऊपर उठेगा, G98 से Z80 तक, जो इससे पहले वैल्यू दे रखी है, G80 तक ऊपर उठ के 80 mm तक ऊपर उठ के फिर जाएगा टूल दूसरे होल के लिए। ठीक है, तो सारे सारे कोऑर्डिनेट ऑफ होल निकलते जाएंगे और 80 mm ऊपर जाके फिर वो ड्रिल करता जाएगा। तो यहाँ पे G98 है रिट्रेक्ट पॉइंट, रिट्रेक्ट प्लेन है 80 mm का, उसके ऊपर रिटर्न जाएगा टूल, फिर अगले कोऑर्डिनेट पे जाएगा। और फिर G99 क्या है, G99 में यहां लगा देता हूं, तो G99 का काम है कि जो R वैल्यू है R3, ये R3 3 mm ऊपर ही उठ के दूसरे होल पे जाएगा पोजीशन में। तो आप जब भी प्रोग्राम बनाओ तो G99 लगाने का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं क्लिप वगैरह पे ना टकराए टूल, तो उसी के लिए G98 लगा दिया जाता है कि जेड वैल्यू ऊपर रख के क्लिप भी आते हैं 30-40 mm के, तो अपन और सेफ चल के उसको उठा के फिर अगले टूल पे लेके पोजीशन पे लेके जाएंगे, फिर और करेंगे, फिर ऊपर उठेगा, तो G99 3 mm ऊपर उठ के चलेगा और G98 80 mm ऊपर उठ के चलेगा, तो ही अपना सेफ चलेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि G98 चलाने के साथ साथ
आपको क्लैंप पोजीशन पे ध्यान रखनी है, फिक्चर हाइड्रोलिक है, न्यूमेटिक है या फिर आपका मैनुअल फिक्चर है, तो उसपे क्लैंप कितने ऊपर लगा रखे हैं, कितने नीचे लगा रखे हैं, उन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए आप काम करें। G99 भी लगा सकते हैं, जहां आपके क्लैंपिंग का टकराने का टूल टकराने का कोई कहीं अंदेशा नहीं है, तो G99 लगा सकते हैं आप, ताकि आपका जेड का जो ट्रेवल है, साइकिल टाइम बहुत कम हो जाएगा, जेड का ट्रेवल भी कम जाएगा, यहीं से 3 ओवर उठ के अगले होल पे चला जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको लोगों को वीडियो पसंद आई, तो लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और जो भाई चैनल पर नए हैं उनको सब्सक्राइब करना चाहिए चैनल को, ताकि जो भी वीडियो आती है वो आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना काफी, फिर एक वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।